का सामना है, जहाद के लिए तैयार हो, गजवाइन के लिए तैयार हो। पाकिस्तान ने खुलेआम भारत और इसराइल के खिलाफ जहर उगला है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ दामाद और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के नेता कैप्टन सफदर ने एक रैली को संबोधित करते हुए खुलेआम भारत और इसराइल के खिलाफ जहर उगला है और मुसलमानों को गजवाए हिंद के लिए तैयार रहने को कहा है। इसके साथ ही सफदर ने इसराइल को परमाणु बम की भी धमकी दी है। आपको बता दें कि कैप्टन सफदर ने पेशावर में आयोजित फिलिस्तीन समर्थक रैली में यह भड़काऊ बयान दिया है। अपने संबोधन के दौरान सफदर ने यह कहा है कि अगर मुसलमान जिहाद नहीं करते हैं तो अपमान उनका इंतजार करता है। मुसलमान अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार रहो, गजवाए हिंद के लिए तैयार रहो। सफदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम सभी मुस्लिमों के हैं। इस दौरान उन्होंने कश्मीर और फिलिस्तीन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, गाजा में बच्चों और महिलाओं की लाशें बिछाई जा रही हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर परमाणु धमकी दी थी। सफदर ने भीड़ से आगे कहा कि जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, फिलिस्तीन के लोग आपकी ओर देख रहे हैं, गाजा के मुसलमानों को बताएं कि हम आपके साथ हैं। आपको बता दें कि कैप्टन सफदर ने जिस रैली को संबोधित करते हुए भारत और इसराइल के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है, उस रैली का आयोजन पाकिस्तानी की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत ए उलेमा इस्लाम ने गाजा में इसराइल के हमले के विरोध में आयोजित किया था। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंबे समय बाद लंदन से वापस लौट रहे हैं। इससे पहले उनकी पार्टी PMLN ने उनके स्वागत के लिए रैलियों का दौर शुरू कर दिया था। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।